हेलो स्टूडेंट्स आपकी क्लास प्लस टू है बेटा और आपका इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर चल रहा है तो हमारी फ़र्स्ट बुक है जो डियर टू ऑल द माउसेस वो कंप्लीट हो चुकी है आज हम सेकंड बुक है जो आपकी लिटरेरी पैटल्स वो करने जा रहे हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैम लिटरेरी पैटल की बुक शुरू करवाओ पर एक बुक को हम बीच में छोड़ के दूसरी बुक शुरू नहीं करवा सकते तो पहले मैंने डियर टू ऑल माउसेज है जो वो बुक के थर्टीन चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं आज हम सेकंड बुक शुरू करने जा रहे हैं लिटरेरी बैटल्स ठीक है बेटा हाँ जी तो इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर श्री गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है क्यों कहा जाता है ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो टेक्स्ट है आपका वहां से मैं आपको पढ़ा रही हूँ पहले हम टेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वो करेंगे इसमें से बेटा आप इस बुक में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ठीक है तो आपको चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है द स्टोरी ऑफ गुरु तेग बहादुर सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द शेक ऑफ अप होल्डिंग ह्यूमन राइट ऑफ फ्रीडम एंड ऑफ कॉन्शियसनेस इज नाउन इन टू वन एंड ऑल जो स्टोरी है गुरु तेग बहादुर जी के सुप्रीम सेक्रीफाइस बहुत बड़े बलिदान की जो उन्होंने ह्यूमन राइट है जो फ्रीडम का उसके लिए दिया वो सबको ही पता है प्रोफेसर जगदीश सिंह अनोटेड स्कॉलर जगदीश सिंह जो एक स्कॉलर हैं हैज़ प्रजेंटेड इन द फॉलोइंग पेज अ वेरी लिक्विड अकाउंट ऑफ हिज यूनिक सेक्रीफाइस ऑफ द नाइन्थ नाइन्थ गुरु उन्होंने इस चैप्टर में जो नाइन्थ गुरु थे सिखों के उनके सेक्रीफाइस के बारे में बात की है द मेट्रोडम ऑफ द गुरु हैज़ ग्रेट रेविलेंस टू द स्टीफ टॉन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड जो गुरु जी की शहीदी थी वो आज के टाइम में कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड में बहुत ही रेलिवेंस है द सागा ऑफ द नाइन्थ गुरुज सेक्रीफाइस इल्यूमिनेटेड द डार्क एंड ब्लीक स्पेस ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द सेवेंटीन सेंचुरी गुरु नाइन्थ गुरु के सेक्रीफाइज है जो वो सेवन्थ uh, सेंचुरी के हाफ में जो डार्क स्पेस थी विच हैड विटनेस ड्रामा ऑफ द स्टेट मैनेज जो स्टेट उस टाइम में मैनेज कर रहे थे पंजाब के गवर्नर थे या राजा बने हुए थे उनका जो बहुत ही विटनेस रोल था फोर्सिएबल एंड मैसिव कन्वर्सेशन ऑफ हिंदूज टू होल्ड ऑन इस्लाम उन्होंने क्या कहा था उस राजा ने उस टाइम में कि वो जबरदस्ती हिंदुओं को इस्लाम बना रहे थे द गुरुज लेंग डाउन हिज लाइफ और द फ्रीडम ऑफ़ फेथ इन दैट फेस्टिनेटिंग एज कॉन्स्टिट्यूट आर ल्यूमिनियस लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अवर लैंड तो गुरु जी ने अपनी लाइफ को उनके लिए उनकी फ्रीडम ऑफ़ फेथ के लिए कुर्बान करके आज इस धरती पर एक हिस्ट्री है जो इतिहास रच दिया

बकाला नियर अमृतसर तो उनके लाइफ के बारे में बताते हैं कि उन्होंने 20 साल लंबे आ, अकेले सॉलिटरी लाइफ अकेले रह के डीप मेडिटेशन ध्यान लगाया कहाँ पे बेसमेंट सेल में किस विलेज में बक बकाला विलेज में जो कहाँ पे है अमृतसर में

गुरु हरगोबिंद वो सबसे छोटे बेटे थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के एंड वॉज बॉर्न इन अमृतसर इन नाइनटीन अप्रैल सिक्सटीन ट्वेंटी वन और सोलह सौ इक्कीस में उनका जन्म हुआ था एज ए यंग बॉय ही वॉज अ कंपनी द मैरिज पार्टी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर बाबा गुरुदत्ता एज ए यंग बॉय एक यंग बॉय के तौर पे उन्होंने एक मैरिज पार्टी पर गए थे एल्डर ब्रदर के साथ बाबा गुरदत्ता के साथ ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ्स उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे अनेकड बॉय विद नो क्लोथ टू वियर वियर वॉज लुकिंग विद लॉन्गिंग आईज एट द गॉर्जियस ड्रेसेस इज बाय द मैरिज पार्टी एक नेकड एक नंगा लड़का था जिसके कपड़े नहीं पहने हुए थे वो वहाँ पे लॉन्गिंग मतलब लालची आँखों से उन बहुत ही अच्छी ड्रेसेस को देख रहा था जो मार मैरिज पार्टी पे पहने हुए थे द यंग तेग बहादुर साइज फेल ऑन द नैक बैग नेग्ड बॉय यंग गुरु तेग बहादुर जी की आंखें उस लड़के लंगे लड़ पे, लड़के पे जब पड़ी ही टू ऑफ हिज कॉस्टली क्लोथ ड्रेस उन्होंने अपनी ड्रेस उतारी एंड गेव इट अवे टू हिम और उसको दे दी एज गुरु बा तेग बहादुर रन होम फॉर अनदर ड्रेसेस और गुरुजी किसी दूसरी ड्रेस में घर चले गए हिज मदर इंक्वायरी कैजुअली अबाउट हीज़ प्रीवियस ड्रेसेज उसकी मदर ने इंक्वायरी की कि आपकी पहले वाली ड्रेस कहाँ पे गई जो आप पहन के गए थे द यंग गुरु तेग बहादुर आंसर इनोसेंटली गुरु तेग बहादुर जी ने आंसर दिया डियर मदर नो वन वुड हैव गिवन द पुअर बॉय यानी क्लोथ टू वियर कहते हैं वहाँ पर किसी ने एक गरीब लड़के को कपड़े पहनने के लिए नहीं दिए थे आई वॉज श्योर यू वुड गिव मी अनदर ड्रेस मुझे पता था आप मुझे दूसरी ड्रेस पहना दोगे इसलिए मैंने उसे अपनी ड्रेस दे दी गुरु तेग बहादुर बॉस इंस्टॉल्ड एज द नाइन्थ गुरु इन सिक्सटीन सिक्सटी फ़ोर गुरु तेग बहादुर जी नॉमें गुरु कब बने सिक्सटीन सिक्सटी फोर में एट द एज ऑफ फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री की साल में वो नॉमें गुरु बन गए थे एज इंडिकेटेड बाय गुरु हरी क्रिश्न वन ही मस्ट विद द इन्फेनिट इन दिल्ली जब वो दैली में मर्ज हो गए थे गुरु हर कृष्ण वेन धीरमल वन ऑफ गुरु हर गोबिंद ग्रैंड सन गुरु हर गोबिंद सिंह का ग्रैंड सन था जो गुरु धीरमल लर्न ऑफ द फॉर्मर प्री प्रो क्लेमेशन ऑफ गुरु तेग बहादुर एज अ नाइन्थ गुरु ही लॉस्ट इज टेम्पर जब उसको पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी को नॉवे गुरु बना दिया गया तो उसको बहुत गुस्सा आया ही हैस्ट कॉन्स्पिरसी टू गिव दू हैव द गुरु किल्ड उसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि गुरु को मारने के लिए ही सेंट अ मसंत बाय द नेम ऑफ अ शिहान एक शिहान नाम के मसंत को भेजा गया हु एम डा गैट गुरु तेग बहादुर एंड फायर उसका एम क्या था कि वो गुरु तेग बहादुर को मारेगा गुरु द गुरुज लाइफ वॉज सेव गुरु की लाइफ बच गई बट हीज हीज ईयर गॉट अ गन शूट वाउंड पर उनके कान में जो है गोली लगी जिससे वहाँ पे जख्म हो गया द गुरु रिमेंड काम एंड अनप्री अनप्री टर्न गुरु जो थे वो शांत रहे द अदर लूटेड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द गुरु और जो शिहान शी, था वो गुरु जी की, उसको लूट की ले गया। गुरु कुछ जो ट्रेडर और बाकी सिख थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो गुरु जी की अटैक का धीरमल से बदला लेंगे दे टुक अवे बिलोंगिंग्स ऑफ धीरमल ग्रंथ साहिब ग बहादुर को इस बात का पता चलास्ड हीन धर्म प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो द होली बुक तो उन्होंने तभी उन सिखों को वापस किया कि धर्मल की धीरमल की सारी प्रॉपर्टी दे के आओ वापस और इवन की होली बुक भी वापस करके आओ ही ग बहादुर जी ने कि किसी भी पापी को माफ़ करना सबसे बड़ा कल्टिवेटिड का काम है दिस इंसिडेंट हाईलाइट द फॉर नेचर ऑफ गुरु तेग बहादुर पर्सनैलिटी इस इंसिडेंट ने गुरु इंसिडेंट ने गुरु जी की जो आ, माफ करने की नेचर थी उसको उजागर किया हाईलाइट किया

कृपा राम ऑफ मतन के औरंगजेब हैड इशूड ऑर्डर्स इशूड ऑर्डर ऑफ़ द फोर्सेब कन्वर्सन ऑफ हिंदूज टू इस्लाम बाय रिमूविंग देयर सेक्रेट थ्रेड्स औरंगजेब ने उस टाइम में ये ऑर्डर इशू किया था कि हिंदूज है जो उनको इस्लाम बनाया जाएगा द रिलीजन रिलीजियस लीडर है था हिंदू का जो वर ग्रेटली प्रोल्यूड वो बहुत दुखी था दे अपील टू गुरु तेग बहादुर टू सेव बुद्ध हिंदू फेथ फॉर द दिटी ऑफ मुगल रूलर तो उन्होंने आके गुरुजी से अपील की कि वो हिंदुओं की जो धर्म है उसको मुगल रूलर में बचाए गुरु तेग बहादुर लिसन टू दियर टेल ऑफ व्यू उन्होंने सारी बात उनकी सुनी दे ही सैट अब्जोर्ड इन डीप था वो बहुत गहरी सोच में पड़ गए हिज यंग सन उनका जो एक लड़का था गोविंद राय हु जस्ट नाइन ईयर्स ओल्ड जो कि नौ साल का था देन अपियर ऑन द सीन वहाँ पे आता है सींग हिज हॉली फादर सिटिंग इन डीप थाट जब वो देखता है कि उसके फादर डी कुछ गहराई से सोच रहे हैं ही इनक्वायरिड रिस्पेक्टफुली वट द मैटर वॉज वो पूछता है उनसे आके कि क्या होगी गुरु टोल्ड हिम ऑफ द सैड प्लाइट ऑफ कश्मीरी गुरु जी उनके जो कश्मीरी पंडित होते हैं उनकी सारी बात उनको बताते हैं द यंग सन हिज डियर फादर हाउ देयर फेथ वुड बी प्रोटेक्टेड तो यंग फादर पूछता है यंग सन अपने फादर से पूछता है कि वो उनके फेथ को कैसे बचाएंगे गुरु तेग बहादुर कहते हैं बाय सेक्रीफाइस ऑफ द होली मैन कहता है इसके लिए किसी पवित्र इंसान को बलि देनी पड़ेगी हु कैन बी देन यू रिवर्स फादर रिमार्क द यंग सन तो गोविंद राय कहते हैं कि आपसे पवित्र इंसान और कौन हो सकता है तो गुरु तेग बहादुर वॉज इम्फेंस प्लीज टू हेयर ही दिस फ्राम हीज सन तो गुरु गुरु तेग बहादुर जी इस बात से खुश हुए अपनी बात बच्चे की बात सुन के ही टोट द कश्मीरी पंडित उन्होंने कश्मीरी पंडित को कहा गो एंड टेल द मुगल रूलर्स दैट यू विल एग्री टू एम्बेरिज इस्लाम तुम जाओ और मुग़ल रूलर को कहो कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हो इफ़ दे कैन प्रस्यूड यूर गुरु तेग बहादुर टू कन्वर्ट टू मुस्लिम फेथ अगर तुम गुरु तेग बहादुर जी को मुस्लिम बना सक बना दोगे तो हम भी अपना धर्म जो बदल के इस्लाम रख लेंगे ठीक है बेटा तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया हाफ चैप्टर आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक आप यहाँ तक अच्छे चैप्टर को समझ लो सीख लो अगर कुछ नहीं पता चला तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो ओके okay, बेटा नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब तक आप इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो ओके okay, बेटा ओके okay, बाय